फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी NIEO या NEO, जिसे हम हिंदी में नव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जो आपकी बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियो का मुद्दा उठाया गया था नॉन अलाइंड कंट्रीज द्वारा, जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा थी। ये वो कंट्री थी जो ना तो सोवियत रूस और ना ही अमेरिका की तरफ थी, बल्कि ये कंट्रीज वो कंट्रीज थी जो कि ज्यादातर एशिया और अफ्रीका से बिलोंग करती थी। इनमें से ज्यादातर कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज की कॉलोनीज रह चुकी थी। ये मुद्दा दरअसल कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान उठाया गया था। ये नॉन अलाइंड कंट्रीज केवल एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम नहीं कर रही थी। इन सब के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि इनमें से ज्यादातर को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में कैटेगराइज किया गया था। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मतलब अल्प विकसित देश। ये वो देश थे जिन्हें डेवलपिंग कंट्रीज भी नहीं माना जाता था, यानी इनका डेवलपमेंट का लेवल इतना नीचे था कि इन्हें LDCs यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में जाना जाता था। और ये सभी देश भी डेवलपमेंट करना चाहते थे और अपने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाना चाहते थे, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए भी अत्यधिक जरूरी था। और ये पॉसिबल हो सकता था केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, क्योंकि बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये सभी कंट्रीज उन रिच कंट्रीज पर ही डिपेंड करती, जिनमें से ज्यादातर रिच कंट्रीज वो थी जिनसे इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी यानी आजादी प्राप्त की थी। वो रिच कंट्रीज या कुछ दशकों पहले इनके ऊपर राज कर रही थी और इन्हें लूट रही थी। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का आइडिया इसी रियलाइजेशन के कारण पैदा हुआ। मतलब जब इन कंट्रीज को ये महसूस हुआ कि अब हमें खुद डेवलपमेंट करके इन रिच कंट्रीज के चंगुल से मुक्त होना है और अब इन पे और ज्यादा डिपेंड नहीं करना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD ने 1972 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम यानी विश्व व्यापार प्रणाली में कुछ फेरबदल प्रपोज किए गए, और ये फेरबदल इन्हीं LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे। और ये प्रपोज्ड फेरबदल कुछ इस प्रकार थे। LDC यानी अल्प विकसित देशों को अपने नेचुरल रिसोर्सेस पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल दिया जाए, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती आ रही थी। इसका मतलब कि जो ये पुअर कंट्रीज थी इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज का खुद इस्तेमाल कर सके, और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ही इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती थी। दूसरा, इन्हें वेस्टर्न मार्केट का एक्सेस भी दिया जाए ताकि ये कंट्रीज भी अपने प्रोडक्ट्स वहां बेच सके, और इसके जरिए व्यापार को उनके लिए और फायदेमंद बनाया जाए। तीसरा, इन LDCs को वेस्टर्न कंट्रीज से मिलने वाली टेक्नोलॉजी के दाम कम किए जाएं, क्योंकि ये कंट्रीज महंगी टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकती। और आखिरी, LDCs की भूमिका अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में बढ़ाई जाए। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि। गुट निरपेक्षता
यानी नॉन अलाइनमेंट की प्रकृति धीरे धीरे बदली और अब इसमें आर्थिक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। 1961 में बेलग्रेड में हुए सम्मेलन में आर्थिक मुद्दे यानी इकोनॉमिक इश्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन 1970 के मिड तक ये मुद्दे काफी इम्पोर्टेंट हो गए थे। अब नॉन अलाइनमेंट ग्रुप एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था, यानी आर्थिक दबाव समूह। लेकिन लेट 1980s तक नियो को चलाने व बनाए रखने का मुद्दा मंद पड़ गया, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज एक सुर में इनका कड़ा विरोध कर रहे थे। और डेवलप्ड कंट्रीज के एक सुर में विरोध करने के कारण गुट निरपेक्ष कंट्रीज को अपनी एकता बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। सो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो नियो है वो एक नए प्रकार का सिस्टम, एक नए प्रकार की प्रणाली जो लागू करने की कोशिश की गई थी गुट निरपेक्ष कंट्रीज के द्वारा, नॉन अलाइंड कंट्रीज के द्वारा, जिसका मुख्य कारण ये था कि इन नॉन अलाइंड कंट्रीज व्यापार में बहुत कम हिस्सेदार थी और इन्हें ज्यादातर डेवलप्ड और रिच कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए NIEO के द्वारा इन कंट्रीज की ये कोशिश थी कि इनको भी बराबर का हिस्सा दिया जाए और ये कंट्रीज भी डेवलपमेंट करके अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपनी जनता को गरीबी से उबार सके, जिसकी शुरुआत यानी 1972 की रिपोर्ट आने के बाद हुई और कई तरह के रिफॉर्म्स की सिफारिश की गई। लेकिन क्योंकि ये कंट्रीज काफी गरीब थी और टेक्नोलॉजी में काफी पीछे थी, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज के एक सुर में विरोध करने के उपरांत ये ज्यादा दिन उनके सामने नहीं टिक सकी। ये सभी कंट्रीज जिस एक मंच के द्वारा इकट्ठी थी, जिसे हम NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जानते हैं, बाद में हमने पाया इन सभी कंट्रीज को इवन अपनी एकता बनाए रखने के लिए भी काफी मशक्कत करने पड़ी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में ये भी लिखें कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में डिस्कस करूं। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।